आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब हम किसी भी नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, सपोज हम कर रहे हैं 5 × 2, तो हमें उसका जो रिजल्टेंट है वो एक अनदर नंबर मिलता है, दैट इज 10। अब इसी तरह से अगर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी हमें एक अनदर मैट्रिक्स मिलता है। उसका ऑर्डर भले चेंज होता है पर हमें मैट्रिक्स ही रिजल्टेंट मिलता है। पर जब हम वेक्टर का प्रोडक्ट स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। वेक्टर का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर भी मिल सकता है, रिजल्टेंट स्केलर भी मिल सकता है। तो कब हमें वेक्टर के प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर मिलेगा, कब वेक्टर मिलेगा और उनके लिए बेसिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हम टू वेक्टर्स यहाँ पर लेते हैं, दिस इज वेक्टर ए। ओके, एक अनदर वेक्टर हम लेते हैं, सपोज ये है एक वेक्टर बी। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम इस तरह से अरेंज कर लें कि दोनों के जो टेल हैं वो एक जगह पर हों, एक पॉइंट पर मीट करें, तो यहाँ पर इसका टेल है, ये इसका टेल है, तो हमने इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रख दिया, तो यहाँ से ये इंक्लाइंड है। तो हमने जब वेक्टर का एडिशन स्टडी किया है, सब्ट्रैक्शन स्टडी किया है, तो मैंने उस समय आपको बताया था कि हमें इसके लेंथ को, मीन्स इसके मैग्नीट्यूड को हमें चेंज नहीं करना होता और इसके डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना होता, हमें इसे एज इट इज यहाँ पर उठाकर यहाँ रख देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से। सपोज ये हमें इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने इसे यहाँ पर इस तरह से अरेंज किया है तो इनके बीच पे हमें एक झुकाव दिख रहा है, जो एंगल है, मतलब एंगल ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एक एंगल है दिस। सपोज हम यहाँ पर मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। ओके, अब यहाँ पर ये जो वेक्टर बी है ये इससे कुछ एंगल पर झुका हुआ है, तो इस वेक्टर बी को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये जो वेक्टर ए है, ये अगर हम इसे एक्स डायरेक्शन ले लें और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई डायरेक्शन ले लें, तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस और ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है उसका डायरेक्शन, पर हम वेक्टर बी को देखें तो ना ही ये एक्स एक्सिस की तरफ है इसका डायरेक्शन, ना ही ये वाई एक्सिस की तरफ है। तो हम इसे जब स्टडी करते हैं तो वेक्टर बी को हम दो तरह से ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट कौन सा है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करें, हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करके एक्स एक्सिस की तरफ लें, तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं दिस, इस तरह से सब, और हम इसे मान लेते हैं वेक्टर बी इन एक्स डायरेक्शन, तो हम इसे इंडिकेट कर देते हैं बी एक्स से। सिमिलरली जब हम इसे वर्टिकल रिजॉल्व करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा दिस, और हम इसे ले लेते हैं बी वाई, क्योंकि हमने इसे वाई डायरेक्शन पर रिजॉल्व किया है। इसे हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं ये हमें मालूम है, तो हमें ये इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इस बी को दो तरह से ले सकते हैं, बी एक्स और बी वाई, हमें कैसा पता चलेगा कि हमें कब कौन सा लेना है, क्योंकि हमें तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के प्रोडक्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसे एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि ये एक भी एंगल नहीं बना रहे हैं। सिमिलरली जब हम इसका वाई कंपोनेंट लेते हैं तो y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b एंड वेक्टर a, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम इसे दो तरह से ले सकते हैं, जब एंगल
जीरो डिग्री हो, या हम इसे दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिन दो वेक्टर्स के हमें प्रोडक्ट करने हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन पे हो, तब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे। सेकंड हम बोल सकते हैं कि जब हमें जिन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है वो दोनों 90 डिग्री पर हो, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से हमें दो कंडीशन मिल रही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों पैरेलल हों और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो। पैरेलल कहने का मतलब है कि उनके डायरेक्शन एक समान हो। ओके, तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को स्टडी करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस कंपोनेंट को लेना है कि इस कंपोनेंट को, तो हमें जैसी ज़रूरत होगी कंडीशन के बेसिस पर हमें उस कंपोनेंट को लेना है और वेक्टर ए के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है या हम कहें प्रोडक्ट करना है। ओके, एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होती है। तो जब हम वर्क डन वहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज़ वर्क डन, वर्क डन हमें मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलती। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो डिस्प्लेस्ड भी इसी डायरेक्शन पर होगी, ना कि अपोजिट डायरेक्शन पर। तो उस केस को हम कंसीडर कर सकते हैं ये पैरेलल वाला, मतलब दोनों की डायरेक्शन जब एक ही डायरेक्शन पर हो। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, जब हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं उस कंडीशन पर फोर्स चाहिए होता है और वो लेंथ चाहिए होता है जिस लेंथ पर हम फोर्स लगाते हैं, और उस कंडीशन पर हम देखेंगे कि दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन पर ये वाला हमें काम में आएगा, दैट इज़ पैरेलल की कंडीशन, पर जब हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो हमें ये परपेंडिकुलर का फॉर्म यूज़ होगा। तो इस तरह से जो नेसेसिटी होगी हम वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उस कंपोनेंट को यूज़ करके प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम टू मेथड से स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड हम ले सकते हैं जब हम ये पैरेलल की कंडीशन लेंगे। तो पैरेलल की कंडीशन जब हम लेते हैं तो उस कंडीशन पर हमें जो प्रोडक्ट है वो उसका जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम टू मेथड्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वो हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जब जो रिजल्टेंट है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और सेकंड हम स्टडी करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो भी एक अनदर वेक्टर क्वांटिटी मिले। ओके, अब हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया हम सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को लेते हैं। सेम डायरेक्शन में है वेक्टर ए और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, तो यहाँ पर हमें एक्स कंपोनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो तब उस कंडीशन पर हम जो रिजॉल्व करके वैल्यू मिलेगी हम उसे लेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच में हम एक डॉट साइन लगाते हैं जब हमें स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। सिमिलरली जब हमें वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है तब हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन दोनों के बीच क्रॉस साइन अप्लाई करते हैं, और ये कंडीशन हमें तब मिलेगा जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ओके, अब डॉट और क्रॉस के कारण इसका हम सेकेंड नेम भी देते हैं,
हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये नाम भी याद रखिएगा। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से लिखते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसका स्केलर कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड, मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। पर क्या ये राइट है? तो आंसर है नो, ये राइट नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने देखा कि हमें एक्स कंपोनेंट लेना है वेक्टर बी का, और वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे? तो ये थीटा है, तो ये हमें मिल जाएगा बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से ये हमें मिल गया ए इंटू बी कॉस थीटा, और ये हमें मिल रहा है स्केलर प्रोडक्ट। आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, यही वैल्यू हम बार बार यूज़ करेंगे। ओके, सिमिलरली हमें वेक्टर प्रोडक्ट देखना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए मैंने बताया था हमें वाई कंपोनेंट लेना है, क्योंकि हमें 90 डिग्री चाहिए। तो ये हमें मिल जाएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि हम वाई कंपोनेंट लेंगे तो वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट हमें बी साइन थीटा मिलेगा। ओके, पर आप देखेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हमने इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो ये हमें स्केलर क्वांटिटी मिल गई, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें एक नंबर मिलेगा। पर यहाँ पर जब हम वेक्टर प्रोडक्ट को देखें तो आप कहेंगे कि ये भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आंसर है ये रॉन्ग है, क्योंकि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन पर जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं और जिनका हमें प्रोडक्ट करना होता है, जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पर हमें उसके साथ एक नॉर्मल वैल्यू भी ऐड करनी होती है। वो नॉर्मल वैल्यू इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होती है। ओके, अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम अपने राइट हैंड के इन फिंगर्स से हम उसे स्टडी कर सकते हैं, थंब एंड फिंगर से। तो हम इसे बता सकते हैं कि सपोज ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन। तो अगर ये x है, y है, z है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर इसके बेसिस पर इसे हम वेक्टर a ले लें, इसे हम वेक्टर b ले लें, तो ये जो थर्ड यहाँ पर जो थंब मिल रहा है, ये थंब हमें उसके डायरेक्शन को, उसके नॉर्मल की वैल्यू को बताता है। तो इस कंडीशन पर इसके साथ हमें एक नॉर्मल भी मिलता है, जिसे हम एन कैप से इंडिकेट करेंगे। तो इस एन कैप के कारण ही हमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है, जिसके कारण हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम स्पेशली स्केलर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, और हम कुछ इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो देखिए, हमें स्टडी करना है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मैंने बताया, जब हम दो वेक्टर्स को डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो दो वेक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है उनके डायरेक्शन एक समान होने चाहिए, या हम दूसरे लैंग्वेज में कहें कि उनके बीच का एंगल जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिल रहा है, क्या हम इसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं? तो आंसर है यस, हम इसे लिख सकते हैं। हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर ये वेक्टर बी है तो हम इसे वेक्टर ए ले सकते हैं, या अगर हम इन्हें चेंज ना करना चाहें, हम इसे इसी तरह से लेना चाहें, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और हमें इसे बी डॉट ए करना है, तो उस कंडीशन पर हम वेक्टर ए को रिजॉल्व कर देंगे। तो जब हम वेक्टर ए को इस साइड पे रिजॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, और ये हमें मिल जाएगा वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट।
तो उस कंडीशन पर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी ए एक्स की ए कॉस थीटा, जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ से वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड बी, ए की वैल्यू हमें मिल रही है ए कॉस थीटा, मतलब यहाँ से भी ये हमें मिल रहा है देखिए बी इंटू ए कॉस थीटा, यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू मिल रही थी ए इंटू बी कॉस थीटा। तो अगर हम इसे ए डॉट बी लिखें या हम इसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखें, दोनों के रिजल्ट हमें सेम मिल रहे हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये हमें इस कंडीशन पर मिल रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हमें टू वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पर वेक्टर ए के साथ एक लैम्डा है, मतलब लैम्डा इंटू वेक्टर ए, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी के साथ, तो ये हमें इक्वल मिलता है अगर यही लैम्डा बी के साथ मल्टीप्लाई हो और उसके बाद हमें इसका प्रोडक्ट करना हो, या हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये तीनों ही कंडीशन पर ये एक कांस्टेंट है, तो अगर ये एक कांस्टेंट वैल्यू वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई हो या वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई हो, जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उनके प्रोडक्ट में वो वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमें मिलती है, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर थ्री वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अगर हम वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करते हैं और उनका जो एडिशन का जो रिजल्ट हमें मिलेगा उस रिजल्ट को हम वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो हमें सिमिलर रिजल्ट देगा जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अलग से करें एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट अलग से करें, फिर इन दोनों को ऐड कर दें। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों की वैल्यूज हमें इक्वल मिलेगी, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ पर टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें मिलती है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिएगा। जब हम किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को हम उसके डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर में हमें मालूम है हम आई जे के टर्म यूज़ करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन के लिए। आई हम यूज़ करते हैं एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, मतलब आई हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी भी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को लेना है। जे हम तब यूज़ करेंगे जब हमें उस किसी भी वेक्टर के वाई कंपोनेंट को इंडिकेट करना है। सिमिलरली के तब हम यूज़ करते हैं जब हमें उसे जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट को लेना है। तो इस तरह से जब हम कोई भी वेक्टर लिखते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पर आर ले लिया, तो जब हम कोई भी वेक्टर लिखते हैं तो इसका इसके थ्री डायरेक्शंस हमें मिलेंगे। फर्स्ट है एक्स डायरेक्शन, सेकेंड है वाई डायरेक्शन और थर्ड इज जेड डायरेक्शन। ओके, हम इसे ऐसा ना लिख के हम इसे लिखते हैं, सपोज हम इसे R1, R2, R3 ले लें, और x डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर इसके साथ i का टर्म अप्लाई करेंगे वेक्टर i। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये i डायरेक्शन का कंपोनेंट है। सिमिलरली y डायरेक्शन के कंपोनेंट के साथ j एंड z डायरेक्शन के कंपोनेंट के साथ k, n वेक्टर्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये यूनिट वेक्टर्स हैं जिसे हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो कोई भी वेक्टर है उन्हें हम उनके थ्री डायरेक्शन के कंपोनेंट्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इन थ्री वेक्टर्स को लिखें
सपोज ये एक्स कंपोनेंट है, फिर ये वाई कंपोनेंट है, और इसका जो जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो हमें इस तरह से इसके परपेंडिकुलर मिलेगा। सपोज हम इसे बना लेते हैं इस तरह से कि जेड कंपोनेंट है, तो जो इसका रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट हमें मिलेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, दैट इज़ वेक्टर आर। यहाँ पर मैंने इसे फॉर एग्जांपल ऐसे बनाया हुआ है, पर जब हम ऐसे लिखते हैं तब हमें ये इस तरह से एडिशन के फॉर्म पर मिलता है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड अलग से चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड विथआउट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर आर, और ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी आप याद रखिएगा, ये हमें इस चैप्टर में बहुत यूज़ होने वाली है। तो जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तब हम इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वेक्टर को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से हमें कई वेक्टर मिल सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो दो वेक्टर मैंने लिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसे भी हम इसी तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। सपोज वेक्टर ए हमें मिल रहा है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के थ्री डायरेक्शंस में। सिमिलरली वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, मतलब कोई भी वेक्टर है उसे हम इनके जो थ्री डायरेक्शंस हैं एक्स वाई जेड, उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म पे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कोई डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका ज़ीरो हो, तब हम उसे लिखेंगे इस तरह से ज़ीरो के जे। मान लीजिए वाई डायरेक्शन पर ज़ीरो है, तब हम इसे ज़ीरो डॉट जे करके रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जब ये इस तरह से होता है तब हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं। जब हमें इनका प्रोडक्ट करना है, दैट इज़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है, तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के से। ओके, तो यहाँ पर हमें जिस तरह से हम फंक्शंस में करते हैं कि इस वन टर्म का इन तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ, सिमिलरली हमें फंक्शंस की तरह भी इसे भी करना है। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्शंस हैं आई जे के, तो डायरेक्शंस को हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसके लिए देखिए, जब हम इस फर्स्ट टर्म का इसके साथ ऑपरेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा ए वन बी वन, ये मिल गए। इसके बाद हमें मिल रहा है i डॉट i, ये i और ये i, तो i डॉट i सेम वेक्टर है, मतलब ये दोनों हम बोल सकते हैं कि ये x डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने बताया था कि i क्या है, x डायरेक्शन का कंपोनेंट है और ये एक यूनिट वेक्टर है। तो i डॉट i इसे हम लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल, तो ये सेम डायरेक्शन है, मतलब एंगल 0 है, तो ये हमें मिल गया cos 0 डिग्री, मींस ये हमें मिल गया 1। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम सेम डायरेक्शंस के वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन पर उसकी वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या मिल रहा है, 1। इसी तरह से हमें जैसे i डॉट i हमें 1 मिला, सिमिलरली हमें j डॉट j एंड k डॉट k, ये सारी वैल्यूज 1 मिलेंगी। ओके, अब हम देखते हैं दूसरे, मतलब हम यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम इसे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a1 b2 i डॉट j, ये हमें मिल रहा है। अब ये i हमें मिलता है x डायरेक्शन पे, j कंपोनेंट हमें मिलता है y डायरेक्शन पे, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये i है और ये j है।
तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इसका कंपोनेंट वन, इसका इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वन और दोनों के बीच का एंगल कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री इज ज़ीरो। तो इस तरह से हमें आई डॉट जे क्या मिल गया, ज़ीरो। आई डॉट जे जैसा ज़ीरो हमें मिल रहा है, सिमिलरली हमें जे डॉट के एंड के डॉट आई ये भी हमें ज़ीरो मिलेंगे। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, मतलब हम इसे लिख सकते हैं जे डॉट आई या के डॉट जे या आई डॉट के, ये भी हमें ज़ीरो मिलेगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर हम इसे कम्यूट कर दें, पलट दें, तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो हमें इनका जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ उतने ही मिलेंगे जितने जो हमें सेम वैल्यूज मिल रही है। मतलब ये हमें मिल गया ए वन बी वन ए टू बी टू एंड ए थ्री सी ए थ्री बी थ्री, क्योंकि ये के डायरेक्शन है, ये जे जे डायरेक्शन है और ये आई आई, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स यहाँ से हमें मिल रहे हैं। ये हमें मिल रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट। ओके, अगर हम देखें तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा से। तो अगर आप यहाँ से इसे और इस टर्म को देखें तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस बी ए थ्री बी थ्री डिवाइडेड बाय ए बी। यहाँ पर ए बी इसका मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस तरह से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और हमें इसका प्रोडक्ट करना तो आता है। तो अगर हमें टू वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के लिए हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं उनसे हम उसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा। तो अभी हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर है हम एंगल कॉस थीटा इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ से एक वेक्टर लेते हैं वेक्टर ए और इसकी वैल्यू हम ले लिए ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। अब जब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर ए है वो एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन से अल्फ़ा बीटा एंड गैमा एंगल यहाँ पर बना रही है। सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि कहीं पर यहाँ पर ये वेक्टर ए है। ओके, तो ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रही है, ये वेक्टर इस वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है एंड ये वाला वेक्टर इस जेड एक्सिस से गैमा एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन पर हम एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल्स फाइंड करने के लिए हमें दो वेक्टर चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर हैं पर यहाँ पर तो केवल हमें एक वेक्टर मालूम है, तो हम उस कंडीशन पर एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, हमें मालूम है कि ये x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन है। तो उस कंडीशन पर, उस डायरेक्शन पर हमें एक वेक्टर मिलता है। यहाँ पर हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है जिसे हम कहते हैं i, यहाँ पर हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है j, यहाँ हमें यूनिट वेक्टर मिलता है k। तो जब हमें cos अल्फ़ा फाइंड करना हो, मतलब ये एंगल फाइंड करना हो, दैट इज़ एंगल बिटवीन एक्सिस एंड दिस वेक्टर, तो उस कंडीशन पर cos अल्फ़ा हमें मिल जाएगा, हमें इस वेक्टर वेक्टर a और हमें i डायरेक्शन के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना है और जो इनके मॉड वैल्यू है हमें वो लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर a है,
वेक्टर ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k पर, यहाँ पर क्या है वेक्टर i। वेक्टर i का जब i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तब हमें यहाँ पर मिल गया a1, और जब इस i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू ज़ीरो हो गई, k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तब वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो इस तरह से cos अल्फा हमें मिल गया a1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ से मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से cos अल्फा हमें मिल गया a1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली cos बीटा हमें मिल जाएगा a2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि इस कंडीशन पर हमें केवल ये j कंपोनेंट वाला टर्म मिलेगा, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और cos गेमा हमें मिल जाएगा a3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से हम ये थ्री एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये cos ऑफ एंगल हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो cos कोसाइंस हम इसे बोलते हैं, और हम इसे डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन पर जो एंगल है, वाई डायरेक्शन पर जो उसका इंक्लिनेशन है, तो हम इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब हमें किसी क्वेश्चन में या एक्सरसाइज में डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए कहा जाए और हमें कोई एक सिंगल वेक्टर गिवन हो, तो हम इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। अब जब हम इसी वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म पर लिखना चाहें तब हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई, क्योंकि ये जो एंगल है ये आई डायरेक्शन पर, मतलब वेक्टर ए और आई डायरेक्शन के बीच मिल रहा है। सिमिलरली ये हमें मिल जाएगा कॉस बीटा डॉट जे एंड कॉस गेमा डॉट के। तो हमें ये इस तरह से मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म पे, हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर का जो प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है हमें वो स्केलर क्वांटिटी मिले। हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, हमने ये स्टडी किया कि हम दो वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करेंगे, और हमें यहाँ से फाइंड हुआ था कि हम जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो हमें 1 मिलेगा, और अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं तो वो हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। सपोज यहाँ पर एक हम यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, सपोज दिस लाइन इज एन, यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर ए बी, और ये इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन एल से एक एंगल थीटा बना रहा है। अब अगर हमें इस वेक्टर का वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस लाइन पर, तो जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से, और सपोज हम मान लेते हैं कि जो इसका प्रोजेक्शन है हम उसे वेक्टर पी से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हम वेक्टर पी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो प्रोजेक्शन का हमें जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड है विदाउट डायरेक्शन, और ये एंगल क्योंकि हम इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम हमेशा एक्स डायरेक्शन लेते हैं, तो ये हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमें इस जो लाइन है जिस लाइन पर हमें प्रोजेक्ट करना है उस लाइन के सेम डायरेक्शन में मिलता है। वो डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस जो हमें कॉस थीटा की वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव। मींस जब हम इसे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन पर हमें कॉस थीटा की जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, तो वो इस डायरेक्शन पर मिलेगा। ओके, और ये एक लाइन है, और जब हमें कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो हमें मालूम है कि कॉस
थीटा हमें सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलता है। तो अगर हम इसे सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के बेसिस पर अगर हम किसी डायरेक्शन पर रिजॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन पर हमें ये नेगेटिव मिलेगा। तो जो इसकी डायरेक्शन है वो हमें लाइन के डायरेक्शन पे ही मिलेगी। ओके, तो जब हम किसी वेक्टर को किसी लाइन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो प्रोजेक्शन का जो डायरेक्शन है वो आपको ध्यान देना है। डायरेक्शन हमें मिलता है जो लाइन की डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन पर। अब अगर हम मान लें कि ये जो P है वो इस L डायरेक्शन पर एक यूनिट वेक्टर है, जैसे हमने I डायरेक्शन पर लिया था I कैप, J डायरेक्शन पर J कैप लिया था, उसी तरह से इस लाइन के डायरेक्शन में ये एक वेक्टर है P कैप। तो उस कंडीशन पर हम उसका प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो उस कंडीशन पर हमें जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन मिल जाएगा दिस वेक्टर, मतलब अगर हम मान लें ये वेक्टर ए है तो हमें मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट पी कैप। और पी कैप की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमें मिलता है वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से हम इस टर्म से ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई टू वेक्टर्स हैं, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये किसी एंगल पर इंक्लाइन है, हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझिएगा, हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो इस कंडीशन पर हमें जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर हमें ए पर बी का प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर बी डॉट ए कैप। हम इसे लिख सकते हैं ए कैप को, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो हमें ये मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। हम इसे का जो प्रोजेक्शन है उसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारी एनसीईआरटी में है, इससे भी हमें क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखते हैं और देन उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 10.3। एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमें फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वैक्टर्स I प्लस जे माइनस के एंड I माइनस जे प्लस के। हमें यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने स्टडी किया है cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A डॉट मॉड ऑफ वेक्टर B। तो यहाँ पर हमें टू वेक्टर्स मिल रहे हैं वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया रूट थ्री। उसके बाद हम फाइंड करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हमें मिल जाएगा वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट इज रूट थ्री, क्योंकि इन सभी का मैग्नीट्यूड हमें वन गिवन है, तो ये इस तरह से मिल गया। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए, दैट इज i प्लस j माइनस k एंड b इज i माइनस j प्लस k। ओके, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमें मिल रहा है रूट थ्री इंटू रूट थ्री। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से i डॉट i, ये हमें मिल गया वन, i डॉट j जीरो, i डॉट k जीरो, फिर j डॉट i हमें मिल जाएगा जीरो, j डॉट j ये हमें वन मिल जाएगा, पर इस साइन के कारण ये हमें नेगेटिव मिल गया। ओके, फिर यहाँ से k डॉट k ये हमें मिल गया माइनस वन, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री हमें मिल गया थ्री। तो यहाँ से cos थीटा हमें मिल गया माइनस वन अपॉन थ्री, मतलब थीटा हमें मिल जाएगा cos इनवर्स माइनस वन अपॉन थ्री,
और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, इनके बीच की एंगल की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इज 2i + 3j + 2k ऑन द वेक्टर वेक्टर बी इज इक्वल टू i + 2j + k। हमें इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो हमने स्टडी किया है कि अगर हमें किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तब हमें ये मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। वैल्यू पुट करते हैं तो वेक्टर ए हमें मिल रहा है 2i + 3j + 2k और यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल रही है i + 2j + k। ओके, मॉड ऑफ वेक्टर बी लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1² + 2² + 1² सॉल्व करेंगे तो सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 2 + 6 + 2। किस तरह से देखिए, 2i. ये हमें मिल गया 2 और 3j × 2j ये हमें मिल गया 6, 2k × k ये हमें मिल गया 2। बाकी कंडीशंस पर ये जीरो मिल जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √6। तो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन हमें मिल गया 10 / √6 और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 4। हमें यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन है और हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमें गिवन है, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सच दैट वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज 3 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 4। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इसके स्क्वायर को हमने अलग अलग कर लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई, ये हमें मिल गया वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, फिर यहाँ से ये हमें मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन ये हमें मिल गया माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, देन वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये वैल्यू मिल गई। ओके, यहाँ से हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू मालूम है 4। अब यहाँ ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो इन वैल्यूज को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है और ये दोनों वेक्टर समान वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, तो ये हमें इस तरह से मिल गया और ये वैल्यू हमें 4 गिवन है और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमें मिल गया 2² - 8 + 3² सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया 2 + 9 - 8, तो ऐड करते हैं तो ये हमें मिल गया 5, पर ये अभी हमें मिल रही है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर की। अगर हम ये फाइंड करें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो ये हमें मिल जाएगा √5 और ये हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम इसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज स्टडी किया कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 10.1।